राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी जिला अस्पताल की। सफाई के अभाव में फिर से गंदगी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिला अस्पताल में मरीज स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे में इस समय यहां पर सफाई न होने के कारण ट्रामा सेंटर, आईसीयू विभाग एवं महिला वार्ड के बाहर बहुत ही अधिक गंदगी होने के कारण, कचरा होने के कारण लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ के सफाई व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है, या दयनीय कह सकते हैं। यहाँ के सफाई कर्मचारी से कल संवाददाता रोशन कुमार ने बात करने की कोशिश करी तो वह लड़ाई झगड़े और मारपीट पे उतर आए, तो उनकी शिकायत थाने में जाके की गई है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है थाने से, लेकिन बात यही नहीं थमती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर शौचालय तो है, लेकिन शौचालय का कोई यूज नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने उस पर ताला लगाया हुआ है, लेकिन ताले जरे यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो गंदगी तो फैलेगी ही फैलेगी, सफाई व्यवस्था खराब होगी, देख सकते हैं आप, खुद ही देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा यहां पर डॉक्टर तो हैं, मगर डॉक्टरों से अधिक यहां दलाल हैं, क्योंकि उन डॉक्टरों ने यहां पर दलालों को शरण दिया हुआ है और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। सरकारी दवाइयां आती हैं जो ये लोग बेच के खा जाते हैं, सरकारी सुविधाओं का मरीजों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। ये खास रिपोर्ट हमें रोशन कुमार जी ने सीतामढ़ी से दी है। आइए रोशन कुमार जी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ रोशन कुमार और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। इस समय मैं हूँ सीतामढ़ी जिले के सदर अस्पताल में। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं मरीजों से जो यहाँ आते हैं स्वस्थ होने के लिए, लेकिन उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको हम सीधा ले चलते हैं, रूबरू कराते हैं। यहाँ की इतनी दवा के हमारी इतनी दयनीय स्थिति है जो कहा नहीं जा सकता है। आइए हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट बात करते हैं पेशेंट से और उनका बारे में जानते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है एकदम पूरा, एक ही वार्ड में सारे पेशेंट है, है ना, एक ही रूम में है। करीबन यहाँ कितना पेशेंट होगा? सारे आदमी नीचे में सोए हुए हैं। यहाँ दवा नहीं मिलता है ना, माने कोई भी यहाँ से व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर आते हैं, क्या बोलते हैं दवा के बारे में? अब दवा के बारे में सब डॉक्टर ये दवा ना देते, दवाई ना घर के ले दे। जो पुर्जा जो लिखाता है तो दवाई बाहर से लाते हैं या डॉक्टर साहब देते हैं? बाहर से ना खिला के बाहर से आता है। आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या है? दवा नहीं मिलता है यहाँ? क्या अभी तो पहले बोले कर लिया, गरीब आदमी कहाँ से करेगा? गरीब आदमी कहाँ से करेगा? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप दवाई खरीदना, क्या बोले हैं? दवाई खरीदना है। दवाई खरीदना है? यहाँ हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिला है? नहीं। आप लोग कितने दिन से यहाँ हैं? आजे आजे आए हैं। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए हैं, उसके बाद वहाँ दवाई की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। आपको क्या दिक्कत है? दवाई मिला है यहाँ? दवाई नहीं मिला। गर्म व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे, आपके कहने के हिसाब से गर्म व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन वह व्यवस्था यहाँ नहीं। इस न्यूज को देखने के बाद बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग इस पर ठोस कदम उठाए, और देखते रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन .in। राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ।